नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा कुकिंग देसी शॉपिंग चैनल। और आज मैं बिना प्याज और लहसुन से बिल्कुल ही बहुत ही टेस्टी तरीके से पनीर की सब्जी आज शेयर करने वाला हूं। लास्ट तक जरूर देखिए। पहले मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर, ऐसे बारीकी से चॉप किया है मीडियम साइज। और हमने मसालों में लिया है हल्दी एक चम्मच, कलर पाउडर एक चम्मच, नमक एक चम्मच, कसूरी मेथी, और हमने पनीर मसाला लिया है। पहले कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और उसके अंदर तेल डालेंगे। हम पनीर को अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि पनीर के अंदर जो खट्टापन होता है बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है, इसलिए हम अच्छे से ब्राउन कलर का फ्राई कर लेंगे और उसे पकाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से प्यार से छोड़िए जितना हो सके। देखिए मैंने पनीर को अच्छे से छोड़ दिया है। और आप सिम पे ही पकाइए, ज़्यादा हाई पे नहीं पकाइए, नहीं तो जल जाएगा। देखिए पनीर हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है। अच्छे से इस तरीके से आप छान लेंगे छन्नी की मदद से, और ज़्यादा इससे ज़्यादा मत पकाइए क्योंकि ज़्यादा हार्ड हो जाता है, टाइट लगता है, चबाने में भी दिक्कत होता है। क्योंकि पनीर हमारा जो होता है सॉफ्ट होना चाहिए, खाने में भी मुंह में जल्दी से गल जाए, ज़्यादा चबाना ना पड़े, इसलिए आप इसका ध्यान रखिए। और हमने हटा दिया है और 3 चम्मच ऑयल लेके थोड़ा जीरा डाला है। जीरा चटकने देंगे। देखिए इस तरीके से चटकने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे हमारा जो सभी मसाला लिया था, पनीर मसाला, हल्दी, नमक और कलर पाउडर और कसूरी मेथी को अब छोड़ देंगे। बाद में इसे सब्जी पकने के बाद ही डालेंगे। देखिए इस तरीके से हमने चला लिया है थोड़ा, ताकि मसाला थोड़ा भुन जाए। अच्छे से भुनने के बाद हमने लिया है यहाँ 3 टमाटर का पेस्ट और अदरक मिला के हमने पेस्ट बनाया है, फाइन पेस्ट, और इसे छोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से मसाला में जो हमारा तेल ऑयल है वो छोड़ चुका है, और वो जो टमाटर का पेस्ट बनाया था उसी मिक्सचर में थोड़ा पानी डालकर मिला लेंगे हमारे ग्रेवी के लिए। और हमने लिया है 2-3 चम्मच दही। दही जो इसके अंदर जाता है इससे स्वाद जो है बहुत ही दोगुना हो जाता है। और इसे 2 मिनट तक उबालने देंगे, सारा तेल जैसे छोड़ दे सभी मसाले को और ऊपर उबल आए। देखिए इस तरीके से हम अभी पनीर जो फ्राई किया हुआ था इसे छोड़ देंगे और इसे 2 मिनट तक ढक कर पकाएंगे ताकि पनीर हमारा जो है और सॉफ्ट हो सके। बहुत ही अब 2 मिनट के बाद हमने कसूरी मेथी जो लिया था हाथ से रगड़ कर छोड़ देंगे इस तरीके से। कसूरी मेथी में भी जान ला देता है सब्जी में। देखिए हमने सजा लिया है और सभी पनीर को जो हमारे सब्जी है अच्छे से सजा लेंगे। मैंने गार्निशिंग के लिए नींबू और मिर्ची और करी पत्ता जो है सजाने के लिए रखा है। देखिए इस तरीके से इतना अच्छा दिखने में भी लग रहा है और बनाते वक्त इतना बढ़िया खुशबू आ रहा था दोस्तों। धन्यवाद।